आज आपको मैं कानों के कुछ मसले के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों के कानों का इन्फेक्शन, बच्चों में कान के इन्फेक्शन की कुछ वजह ऐसी होती है कि जो हम खुद इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो बड़ी इम्पोर्टेंट है इसको मालूम करना कि ये क्या होती है। तो जो फीड कराती हैं वालदा अपने बच्चे को, तो वो ज़्यादातर बिल्कुल लिटा के करवा देती है, सर भी उसी डायरेक्शन में होता है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो हमें बच्चों को जो तकरीबन 45 to 60 degree के एंगल पर, यानी सर ऊंचा होना चाहिए इस तरह और टांग नीचे होनी चाहिए, इस तरह फीड करवाना चाहिए। इसकी वजह क्या होती है कि अगर आप बच्चे को बिल्कुल लेटा के नीचे दूध पिला देते ना, हलक से दूध बच्चों के कान में चला जाता है, वहाँ वो इन्फेक्शन का बाइस बनता है, वो पर्दे के पीछे जमा हो जाता है, ये दूध हो जा रहा है, वो दूध इन्फेक्टेड हो जाता है, और फिर इसको कहीं ना कहीं से निकलना होता है, तो बच्चों का पर्दा फाड़ के निकलता है, यानी परफोरेशन जैसे कहते हैं, टिम्पनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, यानी पर्दे में सुराख हो जाना, पर बच्चों को कान बहना, इतने छोटे बच्चों का 3 महीने के 2 महीने के बच्चों का कान बहने लगता है, जो बड़ा डिस्ट्रेसिंग होता है, और इसको फिर एंटीबायोटिक वगैरह उस वक्त देनी पड़ती है। तो इस चीज़ को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं, यानी ये बच्चे को बिल्कुल इस तरह करके आपको पिलाना है कि सर ऊंचा होना चाहिए 45 to 60 degree के अंदर, और टांगे नीचे होनी चाहिए। रात को ज़्यादातर माएँ लिटा के पिला देती हैं जल्दी में, ठीक है ना, तो उसको रात को भी आज अच्छी तरह वो उठाएँ उनको, सर ऊंचा रखें, टांग नीचे करें, और इसके बाद फीड करवाएं। इससे है कि ये अवॉइड किया जा सकते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन है ये, इसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का शुरू में होता है, तो फिर बाद में ये लंबा अरसा ड्यूरेशन लंबी हो जाती है, क्रोनिक में चेंज होता है, यानी इसमें बस बार बार बंद होता है, वापस आने लगता है, तो ये इसको कहते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ठीक है ना। और दूसरा जो बच्चों में ये है कि माएँ मैंने देखा है कि बच्चों को वैक्स साफ करती है, वैक्स साफ करने के लिए बच्चों को टांगे दबा के पकड़ के कॉटन बट से वैक्स साफ कर रही होती है, तो वो बच्चों ज़्यादा बच्चा तो हिलेगा, वो 2 साल के 3 साल के बच्चे को पकड़ के वो कॉटन बट से वैक्स साफ करती है, तो उसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बच्चा हिलेगा, और ज़्यादातर मैंने केस देखे हैं कि वो बच्चों का पर्दा फट जाता है, बच्चा हिलता है तो वो अंदर चली जाती है कॉटन बट, और उससे पर्दा डैमेज हो जाता है, और बस दवा ये एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल कहते हैं इसको ना, यानी कान की जो अंदर की ये नाली है जो हमें नज़र आ रही है वहाँ पे लग जाती है, तो वहाँ से फिर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, और एक्सट्रीम सूरत में पर्दा भी फट जाता है, अगर बिल्कुल सीधी अंदर चली जाए तो वो भी फिर बाद में इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है, उसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, इसकी वजह से भी हो जाता है, यानी इसको कहते हैं ट्रॉमेटिक परफोरेशन, यानी किसी चीज़ के लगने की वजह से जो पर्दा फटा इसको, ये इसकी वजह से ही होता है, पर्दा फटता है फिर ये बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है। अब थोड़ा सा इसी को बड़ों की तरफ आते हैं, कानों के इन्फेक्शन को, कानों में बड़ों में ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह ये होती है कि ये बार बार नज़ला होना, फ्लू होना, या चेस्ट कंजेशन होना, टॉन्सिलाइटिस, जिसमें गले ख़राब हो जाते हैं, गले टॉन्सिल पक जाते हैं, और नाक से डिस्चार्ज आना, बलगम निकलना, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, कान नाक और हलक, तो यहाँ से इन्फेक्शन चला जाता है कान में, और कान में बार बार थोड़ा 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 इन्फेक्ट हो गया, वो कान के अंदर वही पर्दे के पीछे जमा हो जाता है, उसको फिर कहीं ना कहीं से निकलना होता है, तो सबसे जो नाजुक तरीन चीज़ है वो है पर्दा, यानी टिम्परिंग मेम्ब्रेन, फिर वो वहीं से होके निकलता है, तो उसमें पर्दा फट जाता है, यानी सुराख हो जाता है, और वो कान बहने लगता है, फिर वो बार बार इसी तरह एंटीबायोटिक देते हैं, उसको ड्राई करते हैं, लेकिन ये परफोरेशन रहती है, यानी ये सुराख रहता है बड़ों में, ताउम्र रहता है, इसकी सर्जरीज भी होती है, अगर सर्जरी अच्छी हो जाए तो ये पर्दा लग सकता है, नहीं तो फिर बाज़ दफ़ा ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती तो पर्दा वापस हट जाएगा, वापस उसी तरह का कान बहने लगता है, तो ये बड़ों में। और दूसरी अहम बात के बड़ों में जो बड़े भी जो है ना, बाज़ दफ़ा कुछ ना कुछ अंदर डालते रहते हैं, मसलन चाबी है, पिन है, कान को खारिज करने के लिए, उनको खारिज होती है तो कोई ना किसी से कान खुजाते हैं, वो भी बाज़ दफ़ा इतना अंदर इंसर्ट कर देते हैं कि वो उसमें पर्दे में सुराख कर देते हैं, इसको भी ये ट्रॉमेटिक परफोरेशन, ये दूसरी बड़ों में दूसरी वजह है पर्दे में फटने की, यानी जहाँ भी आपके पर्दे में सुराख हुआ, ये पर्दा फटा, ये बाइस होता है इन्फेक्शन का, और फिर ये इसमें चेंज होता है कि जिनको कहते हैं कि कान बहना, हर वक्त कान बहता रहता है, थोड़े दिन सही होंगे, हम एंटीबायोटिक देंगे, वापस नज़ला जुकाम हुआ, कान बहने लगता है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी एहतियात है वो ये है कि जब भी नहलाएं, यानी जिनका पास आ रहा है कान के,
वो उनको जब भी नहाएं कान में चिकनी रुई रखें, तेल वाली रुई रखें कान में, कान को पैक कर लें और उसके बाद नहाना है। बच्चों को भी इसी तरह। इसका मकसद क्या है चिकनी रुई का, क्या पानी अंदर ना जाए, पानी से आपको अवॉइड करना है। पानी जाएगा, पानी पर्दे के पीछे चला जाएगा, वापस इन्फेक्शन होगा और वापस कान में जाएगा। मतलब कान को ड्राई रखना है, पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए जो बड़े हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, भाई स्विमिंग पूल में ना जाए, समंदर में अगर नहाए तो ये डुबकी ना लगाए, ताकि वो पानी अगर सर अंदर जाएगा तो पानी कान में चला जाएगा और वो इसका इन्फेक्शन का बाइस होता है। जिनको कान बहते हैं सिर्फ उनके लिए एडवाइस है, बाकी जो नॉर्मल है जिनको कान नहीं बहते उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ जिनके कान बहते हैं उसके लिए ये एडवाइस है कि वो कान को पानी से बचाना है, चिकनी रुई रख के नहाना है। ठीक है, ये हो गया ओटाइटिस मीडिया यानी कान का बहना। अब एक कान में एक दूसरी वजह थी जो बड़ी कॉमन है, वो है वैक्स यानी कान में मैल का जमा हो जाना। ये मैल आस्ते आस्ते जमा होता है, ये मुख्तलिफ चीज़ों का मरकब होता है, मसलन ये बाहर से मट्टी और अंदर से हमें एक चिकना बैसलिन की तरह निकलता है, हर एक को थोड़ा सा कान के अंदर थोड़ा थोड़ा, जैसे हमें पसीना आता है बाहर, इसी तरह कान में ज़रा सा चिकना चिकना ग्लेसिन टाइप का निकलता है। तो मट्टी ग्लेसिन ये सब मिल के बनाते हैं वैक्स मैल, इसलिए ये मैल बहुत ज़्यादा असर से करके जमा हो जाता है और बाद इतना जमा हो जाता है कि वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होता है, हार्ड हो जाता है और सुनाई नहीं देता, बिल्कुल कान ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, वो आपको डायग्नोस करेगा कि कान में मैल है या कोई और वजह है कान बंद होने की। तो अगर कान में वो वैक्स डायग्नोस करें तो ज़्यादातर हम फिर सोडा ग्लिसरीन देते हैं, सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स हैं जो इस वैक्स को नरम कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे और डालते रहें, छः छः करते हैं, चार चार करते हैं, चार दिन पाँच दिन छः दिन, वो वैक्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, उसको निकालने में आसानी रहती है। अगर हार्ड वैक्स को एक साथ एकदम से निकाल दिया जाए तो बस दवा वो ब्लीडिंग करता है और अगर वो पर्दे से चिपका हुआ है तो पर्दा भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉफ्ट करना ज़रूरी है। तो हम सॉफ्ट करने के लिए ड्रॉप डलवाते हैं, इससे सॉफ्ट हो जाता है, फिर हम कोई भी ये सक्शन क्लियरेंस मशीन है वो उसे सक कर लेते हैं और वो पूरा मैल जो है साफ हो जाता है। ये काफ़ी कॉमन है, उसके बहुत सारे केसेस आता है और इसमें भी यही एडवाइस है कि खुद कुछ किसी चीज़ से साफ़ करने की कोशिश ना करें, किसी पिन से चाबी से निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो इस तरह अपने कान को डैमेज कर देंगे और इसमें से ब्लीडिंग होगी और वो जो अपना पर्दा है उसको भी वो डैमेज कर सकते हैं और वो फिर मुस्तकिल कान में इन्फेक्शन का बाइस हो सकते हैं। अच्छा, कान बंद होने की एक और वजह है नज़ला ज़ुकाम। बाद लोग ये समझते हैं कि कान मैल बंद है तो अंदर मैल ही है, ऐसा नहीं होता। बाद सिर्फ पर्दा बिल्कुल क्लियर होता है, यहाँ से हम जब देखते हैं तो बिल्कुल जो है टिम्बरिंग मैल में साफ होती है, पर्दा बिल्कुल साफ होता है, अंदर कोई मैल नहीं होता। कान बंद होता है नज़ले की वजह से। ठीक है, इसका बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है, इसमें कोई ड्रॉप कान में नहीं डालते हम, इसमें हम नज़ले ज़ुकाम का ट्रीटमेंट करते हैं। और कान में एक नाली होती है जो नाक के पीछे जाके खुलती है, इसको कहते हैं एस्टेशियन ट्यूब। इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है, ये ट्यूब बंद हो जाती है या इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कान बंद हो गया। तो जब हम कान को देखते हैं तो कान साफ होते हैं, लेकिन वो टिम्बरिंग मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ खींची हुई लगती है। तो हमें ये डायग्नोस कर लेते हैं कि ये जो कान की नाली है जो बिल्कुल नाक के पीछे जाके खुलती है वो बंद है। उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जिससे अंदर की सूजन कम हो, अगर अंदर इन्फेक्शन है तो वो सही हो। और नाक के भी हम नज़ले वगैरह की डीकंजेस्टेंट टैबलेट और डीकंजेस्टेंट ड्रॉप भी दे सकते हैं इससे, और स्टीम इनहेलेशन, उससे एकदम से नहीं खुलता, आस्ते आस्ते करके वो नाली में इन्फेक्शन कम होता है और इससे वो रिजॉल्व हो जाता है इन्फेक्शन और वो कान आपका चार दिन पाँच दिन या बाद डिपेंड करता है, छः सात दिन बाद वो कान फिर तक खुल जाता है, उसमें आवाज़ आने लगती है और कान खुल जाता है। ये एक वजह कान बंद होने की एक दूसरी वजह है। ठीक है ना, यानी ब्लू होना या टॉन्सिल का पकना, ये हो गई बड़ी कॉमन चीज़ें हैं ये जो कान की मैंने बताई, मैंने आपको बहुत ही कॉमन है जो हमारे पास रोज़मर्रा के केसेस आते हैं। दूसरा एक केस आता है हम कराची में, एलर्जिक राइनाइटिस यानी छींके आना और नाक का बहना। नाक यानी धूल मिट्टी पोल्यूशन कराची में इतना ज़्यादा है कि कराची में चीज़ बहुत ही कॉमन है। लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, एकदम सामने से हवा आती है मिट्टी वट्टी, तो छींके शुरू हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, और ये बाद लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, बाद लोगों को यानी वक्तन फक्तन कभी कभार होती है, वक्तन फक्तन कभी कभार हो तो हमको एंटीहिस्टामिन वगैरह टैबलेट आती है, मसलन रिजिक्स है या सॉफ्टेन है, ऐसे में देते हैं। लेकिन अगर बार बार होता रहे और ये केस जो है लंबा हो जाए जैसे काफ़ी, फिर हम यानी दूसरी देते हैं जिसको इसको बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके चीज़ को।
उसके लिए टेबलेट मोटी लुकास टाइप की टेबलेट या ये नेजल ड्रॉप्स लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे 2-3 महीने तक टेबलेट और ये ड्रॉप्स वगैरह देते रहते हैं, इससे ज़रा एलर्जी को कम करते हैं, ठीक है ना। पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि मास्क पहने, एकदम सामने से धूल मट्टी अंदर ना जाए, वो सब चीज़ें अवॉइड करें, जहाँ कहीं डस्टिंग हो रही हो तो वो फौरन मास्क लगा लें और वहाँ से ज़रा दूर चले जाएँ, लेकिन डस्ट एकदम अंदर ना जाए, उससे हम बचा, ये बचने का तरीका है। और बाकी ट्रीटमेंट ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि माउंटेन लुकास्ट और नेजल ड्रॉप्स हम लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, वो ये ज़रा एलर्जी को कम करते हैं, इससे छीके वीके थोड़ी सी कम हो जाती है। इन्हीं पेशेंट को मैं एडवाइस करता हूँ जो बड़े तंग आए होते हैं डॉक्टर साहब, ये तो फिर भी आती रहती छींके हर वक्त, मैंने कहा आप ज़रा सा शहर से बाहर निकल के नहीं, जैसे इस्लामाबाद जाके देखें, खुद बखुद बंद हो जाए, कुछ भी नहीं होता वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ मट्टी वगैरह जितना पॉल्यूशन यहाँ पे है वहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं है, तो ये चीज़ खुद बखुद कम हो जाएगी। इसका मतलब असल मसला कहाँ है, मसला हमारा शहर का, यानी पॉल्यूशन, धूल मट्टी, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है इसको। जहाँ वो अच्छे साफ सुथरे माहौल में जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, बिल्कुल ना छींक आएगी ना नाक बहेगी या कुछ। ये एक नाक का मसला हो गया। अब थोड़ा एक थोड़े मसले को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही कॉमन बच्चों में टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल हमें मौजूद है, यानी ये बड़ा वो ख्याल है, गलत ख्याल कि वो माएँ आती है डॉक्टर साहब बच्चे को टॉन्सिल हो गए, तो ये गलत टर्म है। यानी टॉन्सिल तो हमें मौजूद है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया दोनों तरफ, उसका अपना काम है। उसका काम क्या है कि जो जरासीम आए हमें किसी भी चीज़ में, खाने में, पानी में, उसको कैच करना, पकड़ना, यानी इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये आगे की सिपाही है, ये जरासीम को पकड़ते हैं। तो लेकिन हम इतना ज़्यादा खाते हैं ये बाहर की चीज़ें, ये वो, इतने जरासीम आते हैं हमारे बाज़ दफ़ा, ख़ासतौर बच्चों को, जैसे ये बाहर के चिप्स, पापड़, केचप, ये वो, उसकी वजह से जरासीम पकड़ पकड़ के खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं, टॉन्सिल में इतने जरासीम हो जाते हैं कि जरासीम का घर ही बन जाता है। तो ऐसे में फिर वो बार बार बच्चों को टॉन्सिल पक जाते हैं, बुखार आता है, यहाँ पे हुदूद बढ़ जाते हैं, और ये जैसे हम एंटीबायोटिक दें तो वो सही हो जाता है, लेकिन वापस विद इन अ मंथ और वीक वापस इसी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है। तो बार बार ये होता रहे, जैसे अगर हम साल में 6 से 7 दफ़ा या 4 से 6 दफ़ा ये गले पके, बुखार आए, तो ये हम कहते हैं क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, और इसमें ये हुदूद भी बढ़ जाते हैं, और वो अगर वो रिजॉल्व ना हो रहा हो तो ऐसे फिर ऐसे में हम फिर एडवाइस करते हैं कि इसकी सर्जरी की जाए, यानी टॉन्सिल को रिमूव की जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर लंबा ड्यूरेशन है, जैसे साल में एक दफ़ा टॉन्सिल आते हैं, तो फिर हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं, और इसको हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, खट्टी चीज़ें, ये सब चीज़ें ना खाएँ, इससे हम चीज़ों को अवॉइड कर सकें। ये सब हो गई बहुत ही कॉमन जिसे हम कहते हैं। और एक और है गले की, पीछे से गला ख़राब होता है, वो टॉन्सिल नहीं होता है, फेरिंजाइटिस कहते हैं, ये ज़्यादातर एलर्जिक नेचर का होता है, जैसे पीछे से गले का ख़राब होना, इसमें गले की दीवार इसको कहते हैं फेरिंजाइटिस, उसमें सोजिश होती है, वो लाल हो जाता है, और उसमें सोजिश होती है तो सिर्फ एलर्जी नेचर की होती है, तो हम आम पेन किलर और ये एंटी एलर्जिक यानी एंटी हिस्टामिन देते हैं तो उससे आराम आ जाता है। लेकिन हम जब समझते हैं कि हम इन्फेक्शन हो गया है पीछे, उसमें फिर कुछ सूटेबल एंटीबायोटिक भी देते हैं, ठीक है ना। इसको भी अवॉइड किया जा सकता है, यही सब हम चीज़ें, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स, एकदम चिल्ड वाटर है ना, खट्टी इमली की चटनी, केचप का ज़्यादा यूज़ होना, इन सब चीज़ों की वजह से पीछे से गला ख़राब हो जाता है, जैसे फेरिंजाइटिस कहते हैं, इसको भी हम, इसको अवॉइड किया जा सकता है परहेज़ करके, यानी परहेज़ मेन चीज़ है। अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह पीछे से गला ख़राब नहीं होगा, टॉन्सिल इतने ख़राब नहीं होंगे, और ये सब चीज़ें अवॉइड हो कर सकते हैं।